अल्लू दे मोबाइल तो घबरे जा मत हो कौन मोन नहीं घबराओ ने घबरे जा कटे अब बोलो मत वीडियो सही वीडियो चला बोलो मुझे नहीं क्या YouTube पे चला गया हां जी तो नजर एकवारी की हां आणि पाटा निसे जी ये अटे जे हाय रे की हे वारी की हां वारी की बगल ऊपर फेंकू मैं ऊपर फेंकू का ये जगह कम है मारा थोड़ी का मारा थोड़ी दे मारवाना था तो आनंद का बुलाता है अरे तो मारता था आप खुद ही मारी काटता आनंद थोड़ी बुलाता है कोई मारी भी नहीं सके जी जो पकड़ एरिया आपरे जी जो पकड़ एरिया आपरे नीचे मुंडो गाड़ी तो होनी गाड़ी दे यार मैं देखी ना गाने यार ना गाने या आई की बाने तो मुंडो फेर दे सर जी थाड़ी ले ली दादा धा पकड़ लो बेटा भरेगी भरेगी पकड़ 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 ले गाना मजा आएगी बात ही खत्म उपरा सड़े का बस बस आई गया अरे नहीं छोड़े अरे यार अरे नहीं भरा अरे लाओ लाओ अरे बाबिर कराड़ी में आगे छोड़ दो कांजी राड़ी अरे कांजी राड़ी छोड़ बगले विजय सुझा देते ना मेरे कही अपने बगले विजय ने सब में लिया अरे बस हल्ला नहीं पड़ ना कही है फंड तो करेगा नागण यार ये तो जी नागण देनी या बस अरे नहीं आवे अरे बोलो मत यहाँ पे नागण अरे बाकी बार बार बच्चा पड़ जाएगी हाँ दोस्तों नमस्कार हम आए ठुकरे गाँव में नाटक करवा और नंदलाल जी है ना कन्हैयालाल जी यहाँ पर और दोस्तों आप देख सकते हो ये भारतीय नागिन बोला जाता है इसको यानी कि इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा यानी क्रिमेल है ये नागिन है दोस्तों और इसके अंदर न्यूटॉक्सिक वेनम पाया जाता है जो हमारे नाड़ी तंत्र पर चलता है और दोस्तों अगर ऐसा सांप किसी को काट ले तो आधे घंटे के अंदर इंसान को मौत ही घाट उतर सकता है और दोस्तों इसकी जो उम्र होगी अभी लगभग लगभग 6 से 7 साल ही है छोटा बच्चा ठीक है और इसकी हाइट है लगभग 3 फीट ये कोबरा है डॉक्टर साहब और दोस्तों जो मैं कर रहा हूँ उसकी कॉपी नहीं करें अगर आप ऐसा करने जाओगे तो आपके साथ खतरा हो सकता है सही बात ये हम प्रशिक्षण और ट्रेनिंग और अनुभव से करते हैं सही बात रही बात ये है कि YouTube पे हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें प्रीति स्नैक सेवर और एक चैनल और हमारा सरमित्र काल भैरव उसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको सांपों से जुड़ी जानकारी मिले और इनके प्रति जो अंधविश्वास और जो डर बना हुआ है वो दूर हो और जीवों के प्रति आपके मन में दया पैदा हो क्योंकि ये जीव बिना गलती किसी को काटते नहीं है हम इनको परेशान करते हैं या इनके साथ छेड़छाड़ी करते हैं तब जाके किसी को बाइट करते हैं तो आप सबसे अनुरोध है कि सांपों को मारे नहीं क्योंकि बिना गलती के किसी को काटते नहीं है और इनको प्रकृति में रहने का अधिकार है अगर आप इनको मारोगे
तो प्रकृति का मेंटेन बिगड़ेगा और जो सर्कुलेशन है जैसे कि एक और साइलेंट बोलो मत दोस्तों, इसको वैज्ञानिक नाम जो इसका है साइंटिफिक नेम इसको बोलते हैं नाजा कई कई इसको फिटर बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कई गेवन बोलते हैं, कई पलटू बोलते हैं, कई खरस बोलते हैं, कई पदम बोलते हैं, कई नागिन बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग नामों जानी जाती है दोस्तों। और नरक माता है बाबूजी, माता है माता अभी बच्चा देगी थोड़ी देर। और ये क्या है कि एक परिवार रहता है यहाँ पर, परिवार के हिसाब से क्या है कि यहाँ पर घुस गए थे, इसको निकालना जरूरी था, बाकी इधर खेतों के आसपास तो जीव रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और प्रकृति में इनको रहने का अधिकार है तो इन्हें मारे नहीं। इसी के साथ हमने इसको सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है और इसके अनुकूल वातावरण में इसको रिलीज कर देंगे। देखो मुंह खेलने मत रहो, यह जानकारी सही है, ठीक है, यहाँ ठीक है साहब, अभी गाँव रहा, लेकिन ये वीडियो बाहर तक गई रहो, जिन्हें आंटी जानकारी नहीं है कुछ जानकारी का मान लो अगर पद लागी क्यों काटी क्यों डरेगा नहीं, ठीक है, ठीक है सर। और दोस्तों दूसरी बात ये है, अगर जब भी कोई इससे बाइट करता आपको जिला अस्पताल ही जाए, झाड़पू के चक्कर में नहीं रहे, ओझापुर के चक्कर में नहीं रहे दोस्तों, वरना जान गवा बैठोगे। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज भारत में कितने हजारों लोगों की मौत होती है सांप के काटने से होती है, लेकिन न कि इसके जहर से होती है, क्योंकि लोग क्या है अंधविश्वास बढ़ रहते हैं और झाड़पू के चक्कर में जाते हैं और समय गवा देते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोल देता है कि ये अब नहीं रहा, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि अपने सतर्क रहना है, जब भी कोई इसमें बाहर जिला अस्पताल ही जाए ताकि एंटी बना, ठीक है सर। इसके साथ इसको हमने